मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ही नहीं आज पूरी दुनिया के लिए ये गर्व का विषय है कि आज जब हम गांधी 150 मना रहे हैं तो इसके साथ ही 130 करोड़ देशवासियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की ओर टिकी हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सब 2 अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए होने वाले अभियान का हिस्सा बनने वाले ही होंगे। जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के एक नौजवान ने एक बड़ा ही अनोखा अभियान चलाया है। उनके इस काम पर मेरा ध्यान गया तो मैंने उनसे फोन पर बात करके उनके इस नए प्रयोग को जानने समझने की कोशिश की। हो सकता है उनकी ये बातें देश के और लोगों को भी काम आए। श्रीमान रिपुदमन बेलवी जी एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं, वे प्लॉगिंग करते हैं। जब पहली बार मैंने प्लॉगिंग शब्द सुना तो मेरे लिए भी नया था। विदेशों में तो शायद ये शब्द कुछ मात्रा में उपयोग हुआ है, लेकिन भारत में रिपुदमन बेलवी जी ने इसको बहुत ही प्रचारित किया है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। हेलो रिपुदमन जी, नमस्कार, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। रिपुदमन जी, हाँ जी सर, आप जो ये प्लॉगिंग को लेकर के इतना बड़ा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो मेरे मन में जिज्ञासा थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही फोन करके आपसे पूछूं। ये कल्पना कहाँ से आई आपके मन में, ये शब्द और ये तरीका कैसे मन में आया? सर, युवाओं को आज कुछ कूल चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए, तो मैं तो मोटिवेट हो गया। अगर मेरे को 130 करोड़ भारतीयों को इस मुहिम में जोड़ना है तो मुझे कुछ कूल करना था, कुछ इंटरेस्टिंग करना था। तो मैं खुद एक रनर हूँ, तो सुबह जब हम रन करते हैं तो ट्रैफिक कम होता है, लोग कम होते हैं, तो कूड़ा और ट्रैश और प्लास्टिक सबसे ज्यादा दिखता है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिपिंग एंड कंप्लेनिंग मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करते हैं, और अपने रनिंग ग्रुप के साथ स्टार्ट किया दिल्ली में, और फिर पूरे भारत में इसको लेकर गया। हर जगह से काफी अप्रिसिएशन मिला। एग्जैक्टली आप क्या करते हैं थोड़ा समझाइए ताकि मुझे भी ध्यान में आए और मन की बात के माध्यम से देशवासियों को भी पता चले। सर, तो हमने ये स्टार्ट किया रन एंड क्लीन अप मूवमेंट, जहाँ पे हम रनिंग ग्रुप्स को उनके वर्कआउट के बाद उनकी कूल डाउन एक्टिविटी में हमने बोला आप कूड़ा उठाना स्टार्ट करो, अपना प्लास्टिक उठाना स्टार्ट करो। तो आप रनिंग कर रहे हो, आप क्लीनिंग अप कर रहे हो, सडनली बहुत सारी एक्सरसाइज ऐड हो रही है। तो आप जस्ट रनिंग नहीं कर रहे हो, अब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, डीप स्क्वाट्स कर रहे हो, लंजेस कर रहे हो, आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, तो वो एक होलिस्टिक वर्कआउट हो गया। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल काफी सारी फिटनेस मैगजीन्स ने इंडिया का टॉप फिटनेस ट्रेंड इसको नॉमिनेट किया है। इसको आपको बधाई है इस बात के लिए। धन्यवाद सर। तो अभी आपने 5 सितंबर से कोची से शुरू किया है? जी सर, इस मिशन का नाम है RLN रन टू मेक इंडिया लिटरसी। जैसे आपने अक्टूबर 2 को एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट देना है, एंड आई एम श्योर कूड़ा मुक्त होगा तो प्लास्टिक मुक्त भी होगा, एंड वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और तो आई एम रनिंग एंड क्लीनिंग अप 1000 किलोमीटर्स कवरिंग 50 सिटीज, तो सबने बताया कि शायद दुनिया की लॉन्गेस्ट क्लीन अप ड्राइव होगी। और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही कूल सर सोशल मीडिया हैशटैग यूज किया है हमने, #plasticupvas, जहाँ पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए आप कौन सी एक सिंगल चीज है, सिंगल यूज एनीथिंग, नॉट जस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक बट सिंगल यूज एनीथिंग, जो आप कम्प्लीटली अपनी लाइफ से हटा देंगे। वाह, आप 5 सितंबर से निकले हो तो क्या अनुभव है अब तक का आपका? सर, अभी तक तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। पिछले 2 साल में भी हमने 300 के आसपास प्लॉगिंग ड्राइव्स की हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हमने जब कोची से स्टार्ट किया तो रनिंग ग्रुप्स ने ज्वाइन किया, वहाँ के लोकल जो क्लीन अप्स होते हैं उनको मैंने अपने साथ जोड़ा। कोची के बाद मदुरई, कोयम्बतूर, सेलम, अभी हमने उडुपी में किया, वहाँ पे एक स्कूल इनवाइट आया, तो छोटे छोटे बच्चे सर 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक, उनको एक वर्कशॉप देने के लिए बुलाया था मेरे को आधे घंटे के लिए, और वो आधे घंटे का वर्कशॉप 3 घंटे का प्लॉगिंग ड्राइव हो गया सर, बिकॉज बच्चे इतने एंथुजियास्टिक थे दैट दे वांटेड टू डू दिस एंड दे वांटेड टू टेक इट बैक, और अपने पेरेंट्स को बताना, अपने नेबर्स को बताना, अपने पेयर्स को बताना, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना। रिपु जी, परिश्रम नहीं है, एक साधना है,
सचमुच में आप साधना कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मान लीजिए आपको तीन बातें देशवासियों को कहनी है, तो ऐसी तीन बातें स्पेसिफिक क्या संदेश देंगे आप? मैं एक्चुअली तीन स्टेप्स देना चाहूंगा टू अ लिटर फ्री इंडिया, टू अ कूड़ा मुक्त भारत। स्टेप नंबर वन, कूड़ा कूड़ेदान में डालें सिर्फ। स्टेप नंबर टू, कोई भी आपको कूड़ा दिखता है जमीन पे उसको उठाएं और कूड़ेदान में डालें। स्टेप नंबर थ्री, अगर कूड़ादान नहीं दिखता है अपनी जेब में रखें, अपनी गाड़ी में रखें, घर लेकर जाएं, सेग्रीगेट करें टू ड्राई एंड वेट वेस्ट और सुबह म्यूनिसपैलिटी की गाड़ी आएगी उनको दे दें। अगर हम ये तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे वी विल सी अ लिटर फ्री इंडिया, हमें कूड़ा मुक्त भारत मिलेगा। देखिए रिपु जी, बहुत सरल शब्दों में और सामान्य मानवी कर सके उस भाषा में आपने एक प्रकार से गांधी जी के सपने को लेकर के चल रहे हैं, साथ साथ गांधी जी की जो सरल शब्दों में बात बताने का तरीका था वो भी आपने अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। रिपु दमन जी, आपसे बात कर करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और खास करके नौजवानों को पसंद आए उस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को ढाला है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, इस बार पूज्य बापू की जयंती के अवसर पर खेल मंत्रालय भी फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करने जा रहा है। 2 अक्टूबर को 2 किलोमीटर प्लॉगिंग, पूरे देश भर में यह कार्यक्रम होने वाले हैं। ये कार्यक्रम कैसे करना चाहिए, कार्यक्रम में क्या होता है, ये रिपु दिमन जी के अनुभव से हमने सुना है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस अभियान में हम सबको ये करना है कि हम 2 किलोमीटर तक जॉगिंग भी करें और रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कचरों को भी जमा करें। इससे हम न केवल अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे बल्कि धरती माँ की सेहत की भी रक्षा कर सकेंगे। इस अभियान से लोगों में फिटनेस के साथ साथ स्वच्छता को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासी इस दिशा में एक कदम उठाएंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक की मुक्त होने की दिशा में अपना भारत 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। रिपु दमन जी, फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको, आपकी टीम को और ये नई कल्पकता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।